नमस्कार स्टूडेंट, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। मैं प्रेमलता माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ा रही हूँ। मैंने आपको आज तक की क्लासें ली हैं, वो एक जो चल रहा है हमारा अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, उसी के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है वो हमारे सिर्फ बीएड का हिस्सा नहीं है। आपको किसी भी एग्जाम हो, अपनी जिंदगी हो, या फिर अपनी जो लाइफ जो आपको जीनी है उसको जीने में अपने आप को सफल बनाने का प्रयास कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो पर आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो में आपको जिंदगी जीने की कलाएं, किन किन चीज़ों से हम अपने आप की समझदारी को डेवलप कर सकते हैं, इस तरीके की बातें मैं आपको बता रही हूँ। स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि बीएड में ही हमको ये अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ पढ़ना है, नहीं, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ को आपके जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर इसी कारण से रखा गया है कि आप अपने आप को समझते हुए एक अच्छे शिक्षक बने, एक बनाने वाले जो आप कुछ अच्छे विद्यार्थी बनाने वाले हैं, अच्छे स्टूडेंट तैयार करने वाले हैं, उनको जाने। क्योंकि आप जब तक स्वयं को नहीं जानोगे तो एक अच्छा आप स्टूडेंट्स तैयार नहीं कर सकते अच्छी तरीके से, क्योंकि अपने आप को स्वयं को जानना और पहचानना बहुत ही जटिल कार्य है। हम अपने आप को जानते हुए अगर हम किसी और का मार्गदर्शन करते हैं तो वो उस इंसान का सफल और सही मार्गदर्शन माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, मेरी क्लास में लेते रहिए, मेरे वीडियो पर आप लगातार बने रहिए, क्योंकि वीडियो में आगे मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जिनके माध्यम से आप अपनी जो डर है, अपने अंदर का भय है, चाहे वो किसी तरीके का है, आपको एग्जाम देने का डर, आपको अपनी जिंदगी में सफल होने का डर, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट होगा या नहीं होगा, इस तरीके का डर आपको जो खाता रहता है उसको, उसी से निजात पाने के लिए कुछ टिप्स मैंने यहाँ पे डाले हैं। उन टिप्सों को आप अगर मेरे वीडियो को सुनते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो निश्चित ही आप सफल हो पाएंगे। आपने प्रत्येक चीज का आप अपना एम, एक लक्ष्य निर्धारित करें, जिससे हम उसी लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयासों से आगे बढ़ते रहें। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो इंसान का भय होता है, इंसान का जो डर होता है, वो इंसान को किस तरीके से अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, यानी कि वो उसको हीन भावना की तरफ ले जाता है। तो मैंने कल आपको बताया कि डर स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, सिर्फ अपने मन की बनाई हुई कल्पनाएं हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि कहते हैं कि भय ही तो भूत है, भूत कुछ नहीं होता दुनिया में, डर कुछ नहीं होता। जो हमारे अंदर जो कल्पनाएं बनती हैं कि इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें होती रहती हैं, क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये हो गया तो क्या होगा, ये सारी चीजें आपके अंदर डर बना के रखती हैं। तो हमें उस डर को दूर करते हुए आज की क्लास में हमें भय की संवेगात्मक स्थिरता और अस्थिरता, भय की जो संवेगात्मक स्थिरता होती है और अस्थिरता होती है, यानी कि भय होता है जिस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ को समझने के लिए हृदय के संवेगों को जागृत करना पड़ता है, उसी प्रकार यह भय भी हृदय के संवेगों के अंदर समाहित होता है और यह स्थिरता और अस्थिरता में होता है। स्थिरता में होता है वो, उसे निकालना बहुत भारी काम होता है। अस्थिरता में अगर भय हमारे अंदर बना हुआ है तो हम उसको जानने और पहचानने के तरीकों से उससे हम निजात पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको कि भय की जो संवेगात्मक जो स्थिरता और अस्थिरता है, ये व्यक्ति के कारक भय को मन में समावेशित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे इस पाठ्यक्रम के माध्यम से, इस अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ की बुक के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति के कारक भय को मन में समावेशित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इनकी स्थिरता भय को नियंत्रित करती है, जबकि अस्थिरता भय की स्थिति को बढ़ाती है। जो स्थिरता है भय की, जो ये बोल रहा है कि इनकी स्थिरता, किसकी स्थिरता, भय के संवेगात्मक जो स्थिरता और अस्थिरता है उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, जो स्थिरता है वह भय की इनको नियंत्रित करती है, जबकि स्थिरता किसकी, मन की, अपनी सोचने की
अपने विचारने के लिए अपन स्थिर है तो अपन उस भय का, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, हम उसका सोल्यूशन निकालने में समर्थ हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो मन की कंडीशन ही अस्थिर होगी तो हम उस भय को कभी भी उससे हम निजात नहीं पा सकते, और वह हमारे जो भय की स्थिति है, जो कंडीशन हमारे अंदर डेवलप हो रही है डरने की, भय की, उसको वो ज्यादा बढ़ाती है। भावुकता नियंत्रण के गुण को, भावुकता, भावुकता क्या होती है स्टूडेंट्स, कई बार क्या है हम किसी बात को बोलते बोलते, क्योंकि हमारे अंदर एक डर होता है किसी से कुछ बोलने का, किसी से कुछ सुनने का, तो कई बार क्या होता है हम उसी बात को बोलते बोलते इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होने से भावुकता नियंत्रण के गुण को बहुत कम कर देती है, जो हमारे डर का जो नियंत्रण है उसको कम कर देती है, क्योंकि हम जैसे ही भावुक होते हैं अगला पर्सन जिसके सामने भावुक हो रहे हैं वो हमारी मन के सोच और विचारों को पहचान जाता है और हमारी जो डर की कंडीशन है ज्यादा बढ़ जाती है। प्राय जो व्यक्ति सक्रिय होते हैं, सक्रिय यानी किसी कार्य को करने में सफल होते हैं, एक्टिव रहते हैं, उनमें स्वयं को वैसे परे ले जाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जो ये भय की प्रवृत्ति है, जो ये स्थिरता और अस्थिरता है संवेगों की, उसमें सबसे पहला आता है हमारा शंकालु प्रवृत्ति। इंसान के जो डरने की शंकालु प्रवृत्ति यानी शंका करना, शक करना वाली जो प्रवृत्ति होती है, यह प्रवृत्ति मन के भावों के कारण मस्तिष्क विचारों को अंदर से बाहर भेजने में असमर्थ होती है। शंकालु जो प्रवृत्ति होती है इंसान की स्टूडेंट्स, वो जो शंका अंदर हमारे बैठी रहती है, वो हमारे जो मस्तिष्क में भय से निजात पाने के जो विचार हैं उनको बाहर नहीं आने देती है, जिसके कारण कई भय और ज्यादा उत्पन्न होने लग जाते हैं, क्योंकि उनका समाधान होने का अवसर इस प्रकार की प्रवृत्ति है वो खो देती है। यानी कि जो इस प्रकार की प्रवृत्ति है वो उनका जो सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, जिन डर डर का जो हमारे अंदर बैठा हुआ है उसकी प्रवृत्ति को वो खो देती है और व्यक्ति भय से पीड़ित होता रहता है। यानी कि संकालु जो प्रवृत्ति है वो आपको ना तो समझने देगी, ना आपको भय से निजात पाएगी, यानी कि अपने आपके अंदर की जो चीजें हैं, जो छवियां हैं, संकालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपनी छवियों को बाहर निकालने में इसीलिए सक्षम नहीं होते, क्योंकि उनके जो मस्तिष्क का जो कार्य है, जब वो शंका करते हैं तो वो उसको बाहर ही नहीं आने देता है। नेक्स्ट आता है उदासीनता। स्टूडेंट, जो उदासीनता होती है, स्वयं से विश्वास हट जाना, यानी कि जो अपने आप का जो विश्वास है उसको वो हट जाता है, तो उदासीनता हमारे ऊपर अपना प्रभावी हो जाती है। जब हमारा खुद का स्वयं का कॉन्फिडेंस हटता है तो हमारे ऊपर क्या प्रभावी होती है, उदासीनता। उदासीनता कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाने के भय से स्वयं का आकलन दूसरों से बहुत कम करना, यानी कि जो उदासीनता हमारे ऊपर आ जाती है, विश्वास खत्म हो जाता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इस तरह की प्रवृत्तियां हमारे अंदर डेवलप करती है, अब हम क्या करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इस तरह की बातें हमारे अंदर आती रहती हैं। निर्देशक, इन बातों के आने का कारण क्या है? इन बातों का आने का मेन जो कारण है निर्देशन में कमी। मैंने आपको पहली क्लास में भी स्टूडेंट्स बोला था कि सही निर्देशन जब तक व्यक्ति को नहीं मिलता है वह उचित शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षा डिग्रियों की ही नहीं होती स्टूडेंट, शिक्षा हर क्षेत्र में होती है, प्रत्येक चीज के लिए होती है। अगर उचित निर्देशन आपको नहीं मिलेगा तो आपकी प्रवृत्ति अलग प्रकार की होगी, आपका डेवलपमेंट भी अलग प्रकार से हो पाएगा। बार बार असफलता का डर, बार बार असफलता का भी डर का कारण बनता है, क्योंकि जो बार बार असफल होते रहते हैं वह भी हमारे किसका कारण बनता है, उदासीनता का, यानी कि हमारे विश्वास को खत्म करता है। लेकिन हमें इन चीजों को नहीं होने देना है, हमें क्या करना है, अपनी जो स्थिर प्रवृत्ति है, संवेगों की स्थिर प्रवृत्ति को मजबूत बनाना है, अस्थिर प्रवृत्ति को मजबूत नहीं बनाना है। नेक्स्ट आता है उत्साह। उत्साह का मतलब होता है भय को हावी नहीं होने देना, यानी कि अपने आप को मोटिवेट करते रहना किसी कार्य के लिए। आप ही स्वयं ही स्वयं को अगर मोटिवेट करते हैं, आप कुछ भी कार्य हो, एक्स वाई जेड, हो सकता है आपका एग्जाम हो सकता है कोई कंपटीशन एग्जाम हो या फिर भला भला कुछ भी हो सकता है, तो उसको आपके ऊपर हावी नहीं होने देती है। व्यक्ति का यह कारण भय को हावी नहीं होने देता, इसमें विभिन्न मार्गों द्वारा व्यक्ति भय पर विजय प्राप्त कर लेता है और कई परिस्थितियों में यह उदाहरणों द्वारा भी सीखता रहता है। और ऐसी ऐसी कंडीशन जो
इंसान सीखता रहता है। तो इंसान का जो डर को खत्म करने का प्लस पॉइंट होता है वो होता है मोटिवेशन। स्वयं का मोटिवेशन स्वयं से ही अगर किया जाए तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स, सब कुछ अपने ही हाथ में होता है, करने के लिए अपने आप को समझना होता है। नेक्स्ट आता है कि व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। व्यक्ति तो तीन प्रकार के बताए हैं साइकोलॉजी के अंदर, मैं आपको दो ही प्रकार के व्यक्तित्व की चर्चा यहाँ कर रही हूँ। एक होते हैं अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी जो होते हैं प्रवृत्ति के लोग, ये व्यक्ति की उस प्रवृत्ति का द्योतक है। ये जो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रवृत्तियों के जो लोग हैं वो इस प्रवृत्ति की द्योतक है जो उसके स्वरूप को दूसरों को समझने में आसान करते हैं। जैसे जो अंतर्मुखी लोग होते हैं वो अंतःक्रिया कम करते हैं, लेकिन जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो अंतःक्रिया बहुत ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो क्षमता होती है, जो उनकी मेंटल पावर जो होता है, वो क्रिया प्रतिक्रिया करने का बहुत उनको अंदर से बोलता है, अंतर प्रतिक्रिया करने के लिए। लेकिन जो अंतर्मुखी लोग होते हैं उनको किस चीज का पता होने के बाद भी वो ठंडे पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको, और अंतर्मुखी जो लोग होते हैं स्टूडेंट वो ज्यादा परिस्थितियों का सामना, यानी कि मेरा कहने का मतलब है ज्यादा उनके सामने परिस्थितियां आती हैं। जो बहिर्मुखी होते हैं वो परिस्थितियां आती तो उनके सामने भी है, लेकिन वो तर्क की अपनी शक्ति के कारण उस पे अपना जो उसको आप बस में कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास मेरी छोटी थी, इतनी थी, शॉर्ट थी, स्यूट थी, क्योंकि डर को मैंने दो भागों में डिवाइड करके पढ़ाया है आपको। क्यों? क्योंकि आप मेरा वीडियो पूरा देखने से लिए भागों में, अगर आप हूबहू मुझसे पढ़ते तो मैं एक क्लास के अंदर भी इसको खत्म कर देती, लेकिन मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स पूरा वीडियो देखे और कुछ समझे, तो मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास मेरी इतनी ही है। नेक्स्ट वीडियो अगर आप मुझसे फिर से लेना चाहते हैं तो इसी प्रकार मुझे देखते रहिएगा, मेरे वीडियो को देखते रहिए, मेरे नव भारती चैनल पर बने रहिए। क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स, नव भारती चैनल नए नए तरीके की मोटिवेशन या रीड की तैयारी, नेट की तैयारी, इस तरीके के आप वीडियोस लेके आ रहा है जो आपके आगामी जो आप कुछ करने वाले हैं उसके लिए बहुत ही प्रतिफलदायी रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास मेरी यही खत्म होती है। मुझे कमेंट्स करते लीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।